गुजरात के चुनावी संग्राम में कंचन जरीवाला को लेकर बीजेपी और आप आमने सामने हैं। सूरत ईस्ट से आप उम्मीदवार कंचन जरीवाला के अपहरण और जबरन नामांकन वापसी का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। वहीं सूरत पूर्व से आप पार्टी से उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने एक वीडियो जारी करके खुलासा किया कि उन्होंने सूरत पूर्व से आप पार्टी से उम्मीदवारी की थी और प्रचार शुरू किया, लेकिन प्रचार के दौरान इलाके में नागरिकों से समर्थन नहीं मिलने से उन्होंने बिना किसी दबाव के अपना नामांकन वापस ले लिया। नमस्कार मित्रों, हूँ कंचनलाल जरीवाला, आठी जनाव छू के 119 सूर्व पूर्व विधानसभा माटी आम आदमी पार्टी माटी उम्मेदवारी नोंधावेली हती अने प्रचार कार्य शुरू करी हतु। मारा प्रचार दरमियान में अमारा विस्तार में नागरिक द्वारा मने वार वार कहेवामां आवतुं हतुं के तमे राष्ट्र विरोधी छो, गुजरात विरोधी छो, पार्टी माटी उम्मेदवारी करी छे एमां तमने समर्थन अमे आपीशुं नहीं। मारा विस्तार में लोगों आव प्रतिभाव मलता मारो अंतरात्मा ककली उठ्यो हतो अने मैं अंतरात्मा अवाज सांभळी आवी राष्ट्र विरोधी और गुजरात विरोधी पार्टी माटी चूंटणी ना लड़वानो मन बनावीने। सूरत पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी कंचन जरीवाला का नामांकन वापस लेने की आपने चीफ इलेक्शन ऑफिसर से शिकायत की है। वहीं जरीवाला के नामांकन वापस लेने को लेकर बुधवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को निशाने पर लिया और लगभग 4.5 घंटे धरने के बाद मनीष सिसोदिया इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर गए। दरअसल गुजरात के पूर्वी सूरत से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने बुधवार को कथित रूप से अपहरण किए जाने के बाद अपना नामांकन वापस ले लिया है। एसीबी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी को नोटिस भेजा है, जिसमें उन्हें आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दरअसल एंटी करप्शन ब्रांच ने बुधवार को आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी के साले और पीए समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी के तीनों ने चुनाव में एक महिला पार्षद से टिकट दिलाने के नाम पर 90 लाख रुपए मांगे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मॉडल टाउन से आप विधायक का साला ओम सिंह, पीए विशाल पांडे और एक अन्य आरोपी प्रिंस रघुवंशी शामिल है। दिल्ली पुलिस आज श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब अमीन पुणेवाले को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश कर फिर से रिमांड के लिए अर्जी दाखिल करेगी। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि आफताब की निशानदेही पर अभी वारदात में इस्तेमाल हथियार, श्रद्धा का फोन, वारदात के वक्त पहने गए कपड़े और अन्य चीजें बरामद करनी है, जिसके लिए उसकी रिमांड की जरूरत है। वहीं बुधवार को श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफताब का मेडिकल दिल्ली के एम्स अस्पताल में कराया। श्रद्धा हत्याकांड की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी आफताब के छतरपुर पहाड़ी स्थित आवास पर पहुंची। इससे पहले 2 दिन तक श्रद्धा वाकर की बर्बरता से हत्या करने वाले आरोपी आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस ने महरोली के जंगल खंगाल कर श्रद्धा के शव के कई टुकड़े बरामद किए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े किए और जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंक दिए ताकि वो पकड़ा न जाए। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। हिंदुत्ववादी संगठनों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मांग है कि श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसको लेकर सीएम शिंदे गृह मंत्री से बात कर सकते हैं। वहीं श्रद्धा हत्याकांड पर संजय राउत ने कहा है कि ये बहुत जघन्य अपराध है, ऐसे लोगों पर केस नहीं चलना चाहिए, इन्हें भरे बाजार में फांसी पर लटकाना चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन की ईडी के सामने पेशी आज सुबह 11 बजे रांची में होगी। इससे पहले सीएम सोरेन अपने आवास पर सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं सीएम की पेशी को लेकर जेएम बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी में है। रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि जिस तरह से सरकार को हटाने की साजिशें चल रही हैं वो बेनकाब होंगी, हम डरने वाले नहीं है, इसका डटकर मुकाबला करेंगे। लखनऊ के दुग्गाबाग इलाके में 19 साल की निधि गुप्ता की हत्या के आरोप में पुलिस ने सूफियान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सूफियान ने निधि को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल निधि के परिजन ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान निधि ने दम तोड़ दिया। सूफियान उनकी बेटी का धर्म बदलना चाहता था, वो कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था और शादी के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस ने हत्या और जबरन धर्मांतरण की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आज बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि है, लेकिन उससे पहले ही ठाकरे गुट के शिवसैनिक और शिंदे गुट के शिवसैनिक आमने सामने आ गए हैं। बाला साहेब की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने आप को असली शिवसैनिक बताने की होड़ में बुधवार को सीएम एकनाथ शिंदे शिवाजी स्थित बाला साहब ठाकरे की समाधि पर पहुंचे और वहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित कर बाला साहब को नमन किया। लेकिन उसके तुरंत बाद ठाकरे गुट के शिवसैनिक बाला साहब की समाधि पर पहुंचे और समाधि को गोमूत्र से साफ कर नारेबाजी भी की। भारत जोड़ो यात्रा का आज 71वां दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पदयात्रा सुबह 6 बजे शाह बाबू पातर से चलकर विजय पाटिल फार्म पहुंचेगी।
दोपहर 1 बजे राहुल गांधी अकोला जिले से वेड़गांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 3:50 पर यात्रा एक बार फिर शुरू होगी। अकोला जिले के कई क्षेत्रों से होती हुई पदयात्रा शाम 6:30 बालापुर पहुंचेगी और इवनिंग ब्रेक के बाद भारत जोड़ो यात्रा रात्रि विश्राम के लिए बालापुर के बाग फाटा में रुकेगी। भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र में रोकने की मांग उठी है। बाल ठाकरे के स्मृति दिन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने कहा, सीएम शिंदे और उप डिप्टी सीएम फडणवीस दोनों से मांग है कि भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र में रोका जाए। सावरकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, तो वहीं वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर का अपमान करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। शिकायत आज सुबह शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाएगी। ज्ञानवापी मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट फैसला सुनाएगा। कोर्ट आज 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी, जिसमें ज्ञानवापी मुस्लिम के प्रवेश पर रोक और पूजा के अधिकार की मांग शामिल है, तो दूसरी याचिका मामले की पोषणीयता का है, मतलब ये केस सुनवाई योग्य है या नहीं, इसका फैसला आएगा। बता दें कि वाराणसी की सिविल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सोमवार को ही सुनवाई के दौरान सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने 2 दिन के लिए फैसला टाल दिया था। फास्ट ट्रैक सीनियर डिवीजन कोर्ट पर कई सारे केस का बोझ है, इसलिए फैसले को टाला गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी आखिरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 37 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। इस सूची में बायत विधानसभा सीट से शंकर सिंह वाघेला के बेटे को टिकट दिया गया है। पालनपुर से महेश पटेल, देवधर से शिव भाई बहुरिया, उंझा से अरविंद पटेल, विसनगर से कीर्ति भाई पटेल प्रत्याशी चुना गया है। बता दें कि इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 13 नवंबर को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इस सूची में 33 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर बवाल शुरू हो गया है। इस वीडियो में कमलनाथ मंदिर की आकृति का केक काटते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद छिंदवाड़ा के बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बाटी साहू ने कमलनाथ पर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। मंदिर रूपी केक बनवाया, जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा लगी है, और उस केक को, उस प्रतिमा को काटने का काम कमलनाथ के द्वारा किया गया। ये कमलनाथ क्या हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे? मंडलम मकर विलक्कु तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है, जिसको लेकर सबरीमाला में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने की उम्मीद है। जो ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने दर्शन स्लॉट बुक नहीं कर सके हैं, उन भक्तों के लिए लाइव बुकिंग की सुविधा स्थापित की गई है। दरअसल पिछले साल कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए सरकार ने वर्चुअल कतार प्रणाली के जरिए प्रतिदिन 30,000 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति देने का निर्णय लिया था। नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने जा रही है, इसको लेकर आज गृह मंत्रालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दरअसल 18-19 नवंबर को नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा। 4 सत्रों में होने वाली इस बैठक का उद्घाटन 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो वहीं 19 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 75 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जो वैश्विक आतंकवाद और टेरर फंडिंग के खतरों पर चर्चा करेंगे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां एक फर्नीचर के बाजार में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है ये आग तुगलपुर गांव में बने फर्नीचर बाजार में लगी थी। इस आग की चपेट में आने से करीब दर्जन भर दुकानें जलकर खाक हो गई और दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। उधर घटना की जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत रही कि घटना में किसी की जान के नुकसान नहीं हुई। वहीं आग कैसे लगी अभी तक साफ नहीं है, लेकिन मामले की जाँच जारी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के धर्मपुर क्षेत्र में भेड़े क्या खेच गांव से बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां भूस्खलन के बाद मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। दरअसल गांव में निजी स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा था, इसी दौरान देर शाम को पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा आ गया और काम कर रहे 3 नेपाली मजदूर इसकी चपेट में आ गए। वहीं हादसे में शिकार हुए 3 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। हैदराबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चांदी के आभूषणों की चोरी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
वहीं पुलिस के मुताबिक दो आरोपी एक मकान में घुसकर अलमारी में रखे हुए सोने के आभूषण, चांदी व सामान व नकदी की चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, साथ ही यह जानकारी लेने की कोशिश में लगी है कि वह लोग अपराध के अन्य मामले में शामिल है तो नहीं। जम्मू कश्मीर के रामबान में बड़ा हादसा हुआ है, जहां चेनानी नाशरी टनल में गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद पीछे से आ रही गाड़ियां भी हादसे का शिकार हो गई, जिससे आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में टकरा गई। हालांकि इस हादसे के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बताया जा रहा है। वहीं हादसे के बाद टनल में जाम लग गया, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। महाराष्ट्र के नासिक में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। वहीं तेंदुए के कुएं में गिरने की खबर से गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी। बता दें, मामला नासिक के जाखोरी गांव का है, जहां एक तेंदुआ कुएं में गिरने के बाद काफी देर तक छटपटाता रहा। हालांकि ग्रामीणों और वन विभाग के अधिकारियों ने मिलकर तेंदुए को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला। उसके बाद वन विभाग ने तेंदुए को सुरक्षित गंगापुर रोपवतिया में रखा है। कारगिल के द्रास इलाके में जामिया मस्जिद में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। वहीं इस घटना के बाद सेना, पुलिस और अग्निशमन की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि आग पहले हमाम में भड़की, जिसके बाद देखते देखते पूरी मस्जिद आग की जद में आ गई। वहीं इस हादसे में मस्जिद पूरी तरह से तबाह हो गई है। मस्जिद के भीतर मौजूद सब कुछ जलकर राख हो गया है। हालांकि अभी तक आग किस वजह से लगी, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। औरंगाबाद में लड़की से ऑटो में छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ऑटो रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। ऑटो ड्राइवर ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तभी लड़की चलती ऑटो से छलांग लगा दी। घटना 13 नवंबर की है, जब 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट ने ऑटो लिया, लेकिन ऑटो में बैठने के बाद ड्राइवर अश्लील बातें करने लगा, जिससे डरकर छात्रा चलते ऑटो से कूद गई थी, जिस वजह से छात्रा को गंभीर चोटें आई। इलाज के लिए छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से गांजे से भरी 100 बोरियों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, नागपुर ग्रामीण के कापसी में पुलिस ने सर्च के दौरान एक ट्रक से गांजे से भरी बोरियों को बरामद किया है। दरअसल एक ट्रक से गांजे के आने की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को रोका और गांजे से भरी 100 बोरियों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जाँच कर रही है। मथुरा के थाना गोवर्धन इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल सकरबा बाईपास पर एक पैराग्लाइडर लैंडिंग के दौरान हाइड्रेशन तार में फंस गया। हादसे के दौरान गनीमत यह रही कि हाइड्रेशन तार में करंट नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त पैराग्लाइडर में नगर पंचायत अध्यक्ष की बेटी की पत्नी सवार थी और निजी कंपनी का पैराग्लाइडर बिना अनुमति के दो दिन से गोवर्धन क्षेत्र में गोवर्धन परिक्रमा के पास उड़ रहा था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक सांसद की कार से टकराकर 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार तृणमूल कांग्रेस के सांसद अबू ताहिर खान की है, जो कि मुर्शिदाबाद से ही सांसद है। उन्होंने दुर्घटना के तुरंत बाद ही बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल पहुंचे बच्चे के माता पिता ने हंगामा शुरू कर दिया। वे डॉक्टर के सामने ही बिलखने लगे। हादसे को लेकर सांसद ने कहा कि दुर्घटना उनके सामने ही हुई, बच्चा अचानक से कार के सामने आ गया था। मध्य प्रदेश में जीआरपी विदिशा से रेल से सागर की ओर जा रहे एक 15 वर्षीय नाबालिग मुस्लिम युवक और 14 वर्षीय नाबालिग हिंदू युवती को संदिग्ध होने पर ट्रेन से उतार लिया। वहीं पूरी घटना की जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है। युवक पर गांजा पीने का आरोप है और वो जेल भी जा चुका है। वहीं विदिशा चाइल्डलाइन के प्रभारी दीपक शर्मा के मुताबिक दोनों के बीच पिछले एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और युवती कुछ माह से गर्भवती भी है। पूरा मामला लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 151 किलोग्राम हीरोइन और 11 क्विंटल पोस्ट को नष्ट कर दिया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। काउंटर इंटेलिजेंस के आईजीपी राकेश अग्रवाल की अध्यक्षता में नशीले पदार्थों से जुड़ी हाई लेवल ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने इन नशीले पदार्थों को नष्ट किया। पुलिस ने बताया कि अमृतसर और फाजिलका में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत दर्ज मामलों के संबंध में नशीले पदार्थों को बीते दिन खन्ना पेपर मिल अमृतसर में नष्ट कर दिया गया।
ग्रेटर नोएडा की लॉ रेसिडेंसिया सोसाइटी में एक पालतू डॉग ने मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्ते ने मासूम बच्चे पर हमला उस वक्त किया जब बच्चा सोसाइटी की लिफ्ट में था। कुत्ते के काटने से मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। मासूम पर कुत्ते के हमले का पूरा वाकया सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना के बाद सोसाइटी वालों में डॉग ऑनर के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। नोएडा में पालतू कुत्तों के लगातार बढ़ते आतंक को लेकर नई डॉग पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इस तरह के हादसों पर रोक नहीं लग पा रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में पार्किंग को लेकर दो गुटों में जबरदस्त मारपीट हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि कुछ लोगों ने मां बेटे को बुरी तरह से पीट दिया। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। हमलावरों ने दोनों पर लाठी डंडों और रॉड से वार किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने घर और गाड़ी पर भी ईंट से हमला किया, जिससे कार का गाड़ी का ड्राइवर साइड का शीशा भी टूट गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 427, 506 के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर गिरफ्तारी को लेकर दबिशें दी जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा की लॉ रेसिडेंसिया सोसाइटी में एक पालतू डॉग ने मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्ते ने मासूम बच्चे पर हमला उस वक्त किया जब बच्चा सोसाइटी की लिफ्ट में था। कुत्ते के काटने से मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। मासूम पर कुत्ते के हमले का पूरा वाकया सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना के बाद सोसाइटी वालों में डॉग ऑनर के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। नोएडा में पालतू कुत्तों के लगातार बढ़ते आतंक को लेकर नई डॉग पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इस तरह के हादसों पर रोक नहीं लग पा रही है। यूपी के मुरादाबाद में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक बाइक सवार की टक्कर से फल विक्रेता की मौत हो गई। यह घटना उस दौरान ही जब युवक अपनी मां को फल देकर आ रहा था। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने समय रहते किसी तरह से समझा बुझाकर लोगों को शांत करवाया। बताया जा रहा है कि एक युवक ने बाइक चालक को बाइक की चाबी दे दी और आरोपी मौके से फरार हो गया। इसी नाराजगी के चलते लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के गड़ानाथ जी गांव के पास पुल के नीचे सोम नदी में कार्टून में 186 किलो विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल गड़ानाथ जी के कुछ लोग भबराना पुल के पास से गुजर रहे थे। उस समय पुल के नीचे सोम नदी में कुछ कार्टून नजर आए, जिस पर लोगों ने आसपुर थाना पुलिस को सूचना दी। वहीं विस्फोटक मिलने से मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बता दें कि उदयपुर में रेलवे लाइन को विस्फोट से उड़ाने की साजिश के बाद गड़ानाथ जी गांव के पास पुल के नीचे सोम नदी में विस्फोटक मिलने के मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार के आरा में एक डांसर और सिंगर को हथियारबंद युवकों ने गोली मारकर घायल कर दिया। मामला संदेश थाना इलाके के जरीडीह गांव का है, जहां बर्थडे पार्टी से लौट रही डांसर और गायक को गोली मार दी। गायक को दाहिने पैर में जांघ पर और डांसर को दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है। बताया जा रहा है कि बदमाश डांसर से डांस कराना चाहते थे, लेकिन डांसर ने विरोध किया और हंगामा होने लगा। लेकिन उस वक्त मामला शांत करा दिया गया था, लेकिन बाद में बदमाशों ने डांसर और सिंगर को घेरा और गोली मार दी। बिहार की राजधानी पटना में महिला थाने के बाहर हंगामा हो गया। यहां अचानक दो पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते बिहार पुलिस का एक पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद एक युवती और एक युवक पर जमकर लात घूंसे बरसाने लगा। पीड़ित युवती का आरोप है कि उसके मामा मामी उसके नानी की सेवा नहीं करते। इसी मामले की सुनवाई थाने में होनी थी, इसी दौरान तूतू मैमे हो गई और देखते ही देखते पुलिस और शिकायतकर्ता परिवार के बीच संग्राम छिड़ गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिसकर्मी मारता रहा और महिला पुलिस तमाशबीन बनी रही। इंडोनेशिया के बाली में बुधवार को खत्म हुई G20 समिट के दूसरे और आखिरी दिन एक अजीब वाकया हुआ। समिट के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बीच मीडिया कैमरे के सामने बहस हो गई। जिनपिंग ने ट्रूडो से शिकायती लहजे में कहा कि आपसे जो बातचीत होती है वो मीडिया में लीक क्यों हो जाती है। इस पर ट्रूडो ने भी मुस्कुराते हुए लेकिन सख्ती से जवाब दिया। हम कुछ छिपाने में यकीन नहीं रखते और कनाडा में ऐसा ही होता है।